बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद सिर्फ एक्टर के तौर पर ही नहीं, एक इंसान के तौर पर भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। जनसेवा को लेकर उनके द्वारा की गई पहल ने उन्हें फैंस के बीच और ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। लॉकडाउन से लेकर अभी तक सोनू जरूरतमंदों की मदद करते रहे हैं। कोरोना काल में जनसेवा कर सोनू लोगों के मसीहा बनकर सामने आए थे। कई लोगों ने सोनू की इस जनसेवा पर सवाल तक उठाया था कि सोनू राजनीति में आना चाहते हैं, इसीलिए वो जनसेवा के काम करते हैं। लेकिन सोनू ने इन बातों से पूरी तरह से इनकार किया था। उनका ये कहना था कि वो बस जनसेवा करना चाहते थे। बेशक सोनू राजनीति में आने की नहीं सोच रहे, लेकिन उनकी बहन मालविका सूद सच्चर राजनीति में आने का मन पूरी तरीके से बना चुकी हैं। आपको बताएंगे कहाँ से चुनाव लड़ने वाली हैं और कौन है मालविका सूद सच्चर। बने रहिए हमारे साथ। खबर है कि मालविका 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से राजनीति में कदम रखने वाली हैं। वह मोगा से चुनाव लड़ सकती हैं। सोनू सूद बेसिकली मोगा के ही रहने वाले हैं। सोनू सूद ने स्थानीय मीडिया से बातचीत में कहा कि हम आज आधिकारिक तौर पर कहना चाहते हैं कि मालविका निश्चित रूप से पंजाब की सेवा करने आएंगी। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि मालविका किस पार्टी में शामिल होंगे। मालविका सोनू सूद की छोटी बहन है। मालविका सामाजिक कार्यों के लिए जानी जाती हैं और वह लंबे समय से लोगों की मदद करती आ रही हैं। सोनू सूद का चैरिटी फाउंडेशन मालविका अपने भाई के साथ चलाती हैं। यह चैरिटी फाउंडेशन उनके दिवंगत माता पिता के नाम पर है। मालविका ने अपनी पढ़ाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग से की है। वह अपने होम टाउन मोगा में IELTS कोचिंग सेंटर भी चलाती हैं। मालविका के पति का नाम गौतम सच्चर है। गौतम प्रोफेशन से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वह भी इन सामाजिक कार्यों में मदद करते रहते हैं, खासकर बच्चों की शिक्षा के लिए वह कई प्रोजेक्ट्स चलाते हैं। मालविका और गौतम देश भर में 20,000 जरूरतमंदों बच्चों का सपोर्ट करते हैं और उन मरीजों के बाद मालविका और गौतम देश भर में 20,000 जरूरतमंद बच्चों का सपोर्ट करते हैं और उन मरीजों की मदद करते हैं जिन्हें सर्जरी की ज़रूरत है। COVID-19 के बाद लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद के साथ उनकी बहन मालविका काफ़ी सक्रिय रही। उन्होंने मोगा में मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी कैंपेन के तहत बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा का खर्च उठाया। इसी के साथ अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़े रहें हमारे चैनल Next9 Live के साथ। धन्यवाद।